और कहने लगी अब तो मुझे इस पर इतना विश्वास है। और अपने पर्स में से उसने एक एग्रीमेंट निकाल के दिखाया, एग्रीमेंट जो वो प्रोड्यूसर से करती है जब फिल्म साइन करती है। कहती है देखो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सारा साल मुझे अपने पैसों पे टिकट पे कहीं पर भी ले जाओ शूट करने के लिए, मैं जाऊंगी, मना नहीं करूंगी। पर जब गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होगा जिस दिन, उस दिन मैं बॉम्बे में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन मैं केवल और केवल गुरु नानक की भक्ति करना चाहती हूँ अंधेरी गुरुद्वारे में, हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन मैं काम नहीं करूँगी, शूटिंग नहीं करूँगी, उस दिन मैं केवल गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब मनाऊँगी। ये उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। महेंद्र सिंह जी ने पढ़ा कि गुरु नानक पातशाह का अवतार पूरब होगा, मैं अंधेरी गुरुद्वारे में वहां पर समा बिताऊंगी। और आगे एस महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मधुबाला वहां पर गई, प्रधान जी से मिली, कहने लगी कि गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व पर जितने भी लंगर होता है, जो लंगर बनता है, उसकी सेवा मेरी झोली में डाल दो। तो प्रधान साहब ने कहा कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, संगत से मिलकर, कमेटी से मिलकर बताऊंगा। और आखिर में कमेटी मान गई। और लिखा हुआ है कि 7 साल तक उसके बाद मधुबाला जीवित रही। 7 साल तक हर उस दिन गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब वाले दिन वहाँ जाती थी, पूरा समय कीर्तन सुनती थी, सेवा करती थी अंधेरी गुरुद्वारे में, और पूछती थी कितनी सेवा, जितनी वो कहते थे लंगर की सेवा चक काट के दे देती थी। 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई मधुबाला की। संगत ने उसके लिए पाठ रखे तो उसके पिताजी वहां पर आए, कहने लगे मधुबाला ने सेवा बंद नहीं की थी, ये सेवा जो उसने ली है लंगर प्रसाद की गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व वाले दिन, वो बंद नहीं होने चाहिए, उसका ही दिया हुआ पैसा है, उसका ही कमाया हुआ, ये सेवा जारी रहनी चाहिए, जितनी भी सेवा हो चक मुझसे ले लिया करो, हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके जाने के बाद भी उसके पिताजी 6 साल तक ये सेवा करते रहे, और गुरुपुरब वाले दिन यहाँ पर उस गुरुद्वारे में, अंधेरी गुरुद्वारे में बॉम्बे में ये अरदास होती रही कि आपकी बच्चे ने ये लंगर की सेवा की है, हर से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरानी की बात तो ये लिखारी एस महेंद्र सिंह ये बताते हैं कि आज भी जाकर ये प्रमाण है, देख लो अंधेरी गुरुद्वारे में जब गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व होता है, क्योंकि कमेटी ने यही सोचा कि इन मृत्यु हो गई है इनकी, पर इन्होंने अपने जीते जी सेवा बंद नहीं की, तो इनके नाम की अरदास आज भी होती है। गुरु नानक पातशाह का जिस दिन अवतार पूर्व होता है, उस दिन अरदास लंगर की यही होती है कि आपकी बच्ची ने लंगर की सेवा करवाई है, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।